तो बच्चों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हेक्सागोन वाला एक होमवर्क दिया था। वो कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप सॉल्व करवाइए। हाँ सर आप सॉल्व कराइए, हमें आया पर थोड़ा सा आंसर टैली करना है। अरे बच्चों एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ये था कि एक गाड़ी चल रही है सर्कुलर पाथ में और हर 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो 60 डिग्री का टर्न ले लेती, यानी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ। ओके इस तरह से वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। ओके 60 डिग्री पे टर्न ले लेती। मैंने आपको ऐसे पूछा था कि कुछ टर्न्स हैं, जैसे कि मैंने बोला सेकंड टर्न, अगर सेकंड टर्न है बच्चों तो सेकंड टर्न के दौरान आपको बताना है कि पाथ लेंथ कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। यही क्वेश्चन था कि ना सेकंड टर्न के दौरान बच्चों पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। चलो बच्चों तो सॉल्व करते हैं किस तरह से होता है, आइए देखते हैं किस तरह से होगा। बच्चों एकदम सिंपल तरीका है, डरना मना है। तो सेकंड टर्न यानी क्या, तो बच्चों ये फर्स्ट टर्न हुई तो ये सेकंड टर्न हुई। तो पाथ लेंथ तो भाई टोटल डिस्टेंस, ए बी चला फिर बी सी चला, तो ए बी प्लस बी सी कितना हुआ बच्चों 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। बोलो बच्चों आंसर आया, बोलो बच्चों आंसर आया। हाँ कि ना, बिल्कुल सिंपल, कुछ इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक है। अब आओ बच्चों देखते हैं, ये सेंटर हुआ बच्चों, तो उन्होंने पूछ लिया ये डिस्टेंस। पाथ लेंथ तो ठीक है पर डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बच्चों एसी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो सोचो आपने क्या सोचा, कैसे सॉल्व करेंगे, किस हिसाब से आपने सॉल्व किया, कोई तरीका है, किसी ने सॉल्व किया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्री सोचो कैसे सॉल्व हो सकता है। ये भी 500 है, ये भी 500 है बच्चों। हाँ ये भी 500 है, समझ में आया, सॉल्व करो। तो चलो कुछ बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो सॉल्व करें। अच्छा सही दिख रहा है बच्चों सबको, यस ओके। तो भाई देखने का तरीका है, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो किस तरह से, तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे। हाँ तो ये जो एंगल बना ये 90 बना। अब एक और बात देखी, मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की, तो हेक्सागोन में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है बीच में सेंटर के पास, तो ये 500 है, तो ये भी 500 हुआ, तो ये भी 500 हुआ। यानी बच्चों ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखिए, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भी 500 है बच्चों, हाँ ये भी 500 है, क्लियर ना, क्लियर। ये 500, ये 500, ये 500 होगा तो ये मिल जाएगा ना इसी, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एडी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। एडी का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। बच्चों 500 का स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहां पे कितने का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, देन आंसर विल बी 500√3। अरे सोचा था ऐसा, जिसने भी सोचा बहुत बढ़िया सोचा बच्चों, जिसने भी ये सोचा बहुत बढ़िया सोचा, जिसने नहीं सोचा वो सीखे कि इस तरह से भी सोचो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर।
थाके ना मेरे बच्चों, क्लियर ना? बिल्कुल यस। हाँ ये 90 होता है, वो तो ट्रिग्नो आप लगा सकते हो, ट्रिग्नो लगाओ ये 90 ही होगा, क्योंकि देखो ये 60 है तो यहाँ पे ये 120 होगा, ये 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना होगा 120, ये पूरा कितना होगा 120, उसमें से 30 निकालो। अरे भाई 120 में से 30 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 90 बचेगा बच्चों। और जो ये हम बात कर रहे हैं भाई हेक्सागोन, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो बच्चों ये अगर 500 है, हमें कहा है कि हर 500 के बाद घूम रहा है, तो ये 500 है, तो ये भी 500, ये भी 500, तो ये 1000 हो गया बच्चों। ये 500 है तो हाइपोटेनियस पता है और ये साइड पता है, तो आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, क्लियर ना बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर, ओके। तो ये था कल का हमारा डाउट बच्चों, जो अच्छा क्वेश्चन है, और कोई भी टर्न पे आप ढूंढ सकते हो, ढूंढ सकते हो, और भी मैंने कई टर्न आपको दी हैं, आप ढूंढ लेना। फिर भी नहीं आया तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए बच्चों, और उसपे आपको डेफिनेटली बढ़िया सिंपल लॉजिक आपको मिल ही रहा है। ओके क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब आप एक बात समझिए, मैंने यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड लिख दिया, इसका मतलब जैसे मैंने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट चलाया, वैसे ही मैं ये चलाने वाला हूँ। समझ में आया? बस यही है लॉजिक। अच्छा ये दो क्वांटिटी क्यों आई, इसकी बात में करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं ये क्यों आई। तो बच्चों देखो, एक कार है, एक गाड़ी चलती है और दूसरी गाड़ी भी चलती है, तो वो यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों, दोनों कहां से स्टार्ट करते हैं ए, और कहां पहुंचते हैं बी, ठीक है। अब देखो इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट इसका टाइम कम था और इसका टाइम ज्यादा था, तो दोनों अलग अलग समय पे पहुंचे। इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों ने अलग अलग समय लिया, तो एक क्वांटिटी ऐसी आती है जो ये बता रहे कि ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसने इतना समय लिया होगा, हाँ के ना, ठीक है। फिर एक और बात करते हैं बच्चों, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात करें, अब देखो डिस्टेंस की बात नहीं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम दोनों का सेम है, पर ये जो कार है, ये कार वन और ये कार टू, ये जो कार वन है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है कम टाइम में, ये सेम टाइम में ये ज्यादा जा रही है और ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो लॉजिक कंसेप्ट क्लियर होता है कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस, ऐसा जो लॉजिक क्रिएट हुआ उसको किससे सॉल्व किया गया, साइंटिस्टों ने किससे समझाया होगा, साइंटिस्ट ने किससे समझाया बच्चों, एवरेज स्पीड से समझा। ओके मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, हाँ व्हाट इज एवरेज स्पीड डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और अ व्हीकल और अ पार्टिकल एंड टाइम इंटरवल फॉर दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एवरेज, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी एंड
टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. सेकेंड डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर इन यूनिट टाइम, यहां पे पर भी लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, ये दो डेफिनेशन है बच्चों, दो डेफिनेशन है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, फिर डेफिनेशन दो कैसे बनी वो बता देता हूँ, समझना बच्चों. पहली जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इक्वेशन क्या है, और दूसरी जो डेफिनेशन है वो कैसे उसके से बनी हो. तो देखो इक्वेशन है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम नहीं, टाइम इंटरवल. तो एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय वी बार, वी लेस देन और इक्वल्स टू, और वी कैन राइट वी मीन. ये सब इनके अलग अलग तरीके हैं. आप क्या लिख सकते हो, वी मीन लिख सकते हो, देखो यहां पे लिखता हूं फिर से, देखो वी मीन लिख सकते हो, वी बार लिख सकते हो, वी एवरेज इस तरह से लिख सकते हो. ये सभी सिंबल हैं एवरेज स्पीड पक्का, तीनों लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी बेटर ये रहता है. कई जगह ये भी देखेगा, ये भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, बेटर ही सिंपल जो हमें पढ़ता है वो हम यूज करें. ओके, नाउ एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, टोटल टाइम में इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये देते, ये इंफॉर्मेशन हमें देती है. ओके, नाउ तो सिंपल अब इसका इक्वेशन बना दिया जाए. इसका क्या बना दिया जाए, इक्वेशन बना दिया जाए बच्चों. इक्वेशन में मैं तीनों की जगह एक ही सिंबल यूज कर रहा हूं, v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d बाय t. आप s बाय t भी लिख सकते हो, s बाय t भी लिख सकते हो, d बाय t मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, क्लियर. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी एंड टाइम इंटरवल, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, पाथ लेंथ. सिंपल, पाथ लेंथ, इसको पाथ लेंथ भी बोलते हो ना. चलो अब एवरेज वेलोसिटी देखो. अब देखो बच्चों इसमें क्या आया, एवरेज वेलोसिटी क्यों आई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पे आपको पता है पाथ लेंथ चेंज हो जाती है, तो तब जो स्पीड की जो वैल्यू है, यानी देखो दो हमने क्वांटिटी पढ़ ली, पाथ लेंथ और एक डिस्प्लेसमेंट, तो जो पाथ लेंथ होती है वो उस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो एवरेज स्पीड आ गई. पर जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड सेम नहीं हो, उसमें नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसमें नहीं आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग क्वांटिटी बनाएगी जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या होगा, द रेशियो, बताओ क्या होगा, द रेशियो पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट. यस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल is called average velocity. बच्चों क्लियर करो, the ratio of displacement and time interval. यहाँ पे क्या आएगा, path length and time interval. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा average velocity is equals to displacement upon time interval. बच्चों पक्का कर लेना, एकदम सिंपल है ना, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा. अरे स्पीड हो तो पाथ लेंथ आता है ऊपर, और वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट आता है ऊपर. बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ बिल्कुल. अच्छा इसका इक्वेशन क्या है, v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. डेल्टा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल यहाँ पे भी आप डेल्टा टी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा टी और टी में कोई फर्क नहीं. बोलो क्लियर, हाँ कि ना बच्चों, हाँ चलो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का सेम, L1 t माइनस वन
इसका भी क्या होगा, एल वन टी माइनस वन दोनों का सेम। अच्छा ये स्केलर या वेक्टर, इसमें क्या आ रहा है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ टाइम भी स्केलर, पाथ लेंथ भी स्केलर, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती थी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर, इसीलिए बी वेक्टर क्वांटिटी बनती है। कैसी क्वांटिटी बनती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बनती है, क्लियर करो। ओके अच्छा ये ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, और ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, क्लियर। अच्छा दोनों के बीच में एक और बढ़िया नोट लिखी जा सकती है, याद है आपको कॉमन नोट, कॉमन नोट क्या होगी इनके बीच में, कॉमन नोट ये होगी बच्चों, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, बट यहाँ पे बच्चों क्या करना है, मैग्नीट्यूड। सुनो बच्चों ये हमने देखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ये हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखा हुआ है, यहाँ पे पाथ लेंथ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। एक और इंपॉर्टेंट नोट इसमें बनती क्या है, इफ डायरेक्शन इज सेम, पूरा लिखो, डायरेक्शन इज सेम देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये भी आप नोट कीजिए बच्चों, ये भी आप नोट कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बढ़िया। ये दोनों पॉइंट अभी हम क्लियर हो जाएंगे, हमें बिल्कुल आने चाहिए, और ऑलरेडी आते ही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में ऐसा होता था। अब देखो टाइम में तो कोई चेंज नहीं है, टाइम इंटरवल तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट में और पाथ लेंथ में जैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में जैसा हो रहा हो, उसी इन दोनों में हो रहा हो, ऐसा वैसा समझ में आया, हाँ के ना, डन, यस, ओके। चलो अब मैं आपको कुछ एवरेज वेलोसिटी के सम्स करवा देता हूं, एवरेज वेलोसिटी के सम करवा देता हूं, छोटे छोटे एकदम इजी आपको आ जाए ऐसे बढ़िया सम्स, ओके। चलो तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी आप बोल सकते हो, दोनों के सम्स करवा दे, सिंपल सिंपल, एवरेज वेलोसिटी इसके हम सम्स देखने वाले हैं, एक तरीके के सम्स पूछे जाते हैं इसमें बच्चों, छोटे छोटे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए बेटा, ओके। हाँ चलो तो क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको करवाता हूं, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद द इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस और प्लस वन, कुछ भी एंड द यूनिट इज मीटर, दिस इज द गिवन डेटा, द पोजिशन ऑफ अ व्हीकल और पार्टिकल चेंजेस बाय दिस इक्वेशन, हाँ ये हमने पहले देखा हुआ है कैसा इक्वेशन हो सकता है। नाउ फाइंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 2 seconds, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 2 seconds। तो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फिर सॉल्यूशन क्या है, देखो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए, यानी यहां पे एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, बच्चों समझो इतना सब जेई नीट में नहीं करना है, अभी हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए धीरे से आराम से पूरा समझ के करो, एक सम सॉल्व करने में भले ही आपको 15 से 20 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में पूरा कंसेप्ट समझो,
फिर जो 15 मिनट में हो रहा था वो 15 सेकंड में होगा, गारंटी। हाँ, समझ के करना, पहले समझो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज टाइम इंटरवल? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, बस तो सॉल्व करते हैं। फाइनल पोजीशन के लिए T2 की वैल्यू क्या? तो ये T1 है तो ये T2 हो गया। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस एक्स T1, T1 कितना बच्चो? 0, 0, 0 और बचा सिर्फ प्लस 1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 2 माइनस 0। तो ये 1 कट हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है बच्चों, यहाँ पे चेंज है, चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन में जो कांस्टेंट है तो चेंज लोगे तो वो जीरो ऑटोमेटिक होना है। हर बार ऐसा होगा, ध्यान रखना। शॉर्टकट वाली 4 + 4 = 8/2 आंसर इज 4 m/s। सिंपल बच्चों, समझ में आया कि नहीं ये बताओ? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, हाँ कि ना? स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, चलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? क्लियर ना? इस तरह से कोई सम हो तो आना चाहिए आपको बच्चों। सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू एक और तरीका करवाते हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय अनदर इक्वेशन, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t³ - 3t। ओके, देन यूनिट ऑफ द एक्स इज मीटर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकंड। अरे बाप रे, फर्स्ट 2 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितना? तो बच्चों यहाँ पे छुपा हुआ टाइम इंटरवल है, इसको क्या बोलेंगे हम? छुपा हुआ टाइम इंटरवल। तो T1 होगा 0 और T2 हुआ आपका 2 सेकंड। समझ में आया मेरे लॉजिक में? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 0 से 2 हुआ बच्चों, 0 से 2। फर्स्ट 2 यानी 0 के बाद 1, 2, फर्स्ट 2। समझ में आया? जहां से भी स्टार्ट करो, कोई भी टाइम से स्टार्ट करो, फर्स्ट 2 का मतलब क्या? 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, तो 0 से 2। बस एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स टी 2 माइनस एक्स टी 1 अपॉन T2 माइनस T1। बच्चों XT2 एकदम सिंपल आपको आ ही रहा है। यस, खुद से पेन नोट लेके बैठे सॉल्व करिए। अच्छा, 2t³। तो बच्चों 2 आराम से करो, t³ यानी t2 का क्यूब, 2 रखो, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 माइनस 2 3 = 6, यहाँ पे माइनस, अब t1 रखेंगे, t1 0 तो दोनों में 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 अपॉन टाइम इंटरवल 2 - 0, 8 × 8 = 16, 16 में से 6 गया भाई तो कितना बचा? 10, 10 अपॉन 2 बचा क्या बच्चों? 5 m/s। क्या सही मेरा आंसर है? क्या आपका आंसर भी सही है? आपका मैच हुआ बच्चों? हाँ के ना? क्लियर के नहीं? बोलो, किसी को दिक्कत आई बच्चों? आ गया ना समझ में? बस इसी तरह से लगे रहो, करते रहो और जरूर से आपका सॉल्यूशन होता रहेगा। ओके, तो एक तरीका हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब बच्चों आपको क्या होगा? सर ये 4 आया और ये 5 आया, इतना टाइम थोड़ी लेना है? तो नहीं लेना है बच्चों। आओ आओ बात करते हैं, कैसे GNET का सम, कैसे GNET का सम सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व हो, आओ देखते हैं। समझो, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो डायरेक्ट सेकंड टाइम रख के लिखो, तो भाई 2 × 4, फिर 2 × 4 + 1,
माइनस वन, ये वन वन गया, नीचे टू माइनस जीरो टू, फोर प्लस फोर टू, सॉरी फोर प्लस फोर एट, एट अपॉन टू, फोर मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये तो दूसरे ही स्टेप में आ गए, अभी चार पांच स्टेप कर रहे थे, अब आप दूसरे ही स्टेप में ला रहे हो। तो बच्चों जो मैंने बोला वो समझा, समझा समझाया आपको, दिमाग में वो लॉजिक बैठा, आप समझे कि नहीं सच बताइए, आके ना सच बताइए बच्चों। हाँ मजा आई ना, बस ऐसे ही मजा आता रहेगा भाई, और आपको मजा लेना है बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा समझ में आया, अब देखो इसमें एक और, इसमें भी आप सॉल्व कर लेना इसी तरह से, मैं नहीं करवा रहा हूँ, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो बच्चों, कर लोगे, ट्राई करो, ट्राई करो। ओके तो यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात जो है वो खत्म, बिल्कुल। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफिकल स्ट्रक्चर समझ तो करेंगे बट ग्राफ पहले समझते हैं। अच्छा ग्राफिकल सेक्शन में अगर सब होता तो किस तरह से सो रहा होगा भाई, यही तरीका होगा जो अभी कर रहे हैं। देखो एक ग्राफ वाला सम देखते हैं बच्चों, ग्राफ वाला, क्या ग्राफिकल सेक्शन टफ है? नहीं, एकदम इजी रहेगा। देखो मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ओके यहां पे 2 सेकेंड, और यहाँ पे 4 सेकंड में, 2 सेकंड में पोजीशन हमें दी है 20 मीटर, और 4 सेकंड में हमें पोजीशन दी है 80 मीटर। ये x वर्सेस t का ग्राफ, ऐसे वैल्यूज दी होगी और हमें बोले फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वही डेल्टा x बाय डेल्टा t। फाइनल पोजीशन क्या है देखो, 8 ड्यूरिंग भी दिया हुआ है, ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड, 80 आया 4 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कितना है देखो, 2 सेकेंड पे 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 80 माइनस 20 60, 4 माइनस 2 2, आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सिंपल के नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल के नहीं। हाँ हाँ आया, ऐसा कोई ग्राफ दिया हो तो आपको आना चाहिए, कुछ नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो फटा, कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके डन, एक और क्वेश्चन करवा दो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो जल्दी, मेरा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया, मैसेज करो फास्ट ईयर बच्चों, ऑनलाइन वर्क पर भी आप पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन तो फटाफट मैसेज करो, यस, और फोन से दूर बैठिए, मैंने पहले भी आपको कहा है, ज्यादा नजदीक पर या लैपटॉप लेके बैठो बेटर रहेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप। ओके चलो ठीक है, तो आप बात करते हैं एक और सम, एक और सम में हमें इस तरह से इक्वेशन दिया है, एक्स टी ऐसे दिया होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 मीटर, फिर यहाँ पे 3 सेकेंड, और यहाँ पे मान लो 2 सेकेंड है, और यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 3 सेकेंड, और यहाँ पे 6 मीटर, ऐसे दिया हो, हाँ ऐसे दिया हो। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे भाई 1 से 3 सेकेंड में कितना, तो बच्चों आ जाएगा ना, मान लो 1 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी आपको पूछ रहे हैं, तो 3 सेकंड पे 6, 1 सेकंड पे 2, 3 माइनस 1, 6 माइनस 2, 4 अपॉन 2, 2 मीटर पर सेकंड। अरे बना के नहीं, 6 माइनस 2, 4 आ गया, 3 माइनस 1, 2 आ गया, अरे बिल्कुल सिंपल बच्चों, आ गया आप लोगों को, चलो समझ में आया। ओके ओके क्लियर क्लियर ना, ये क्या समझे आप लोग,
एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड और उसके सम्स देखे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।